फुकरे 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जब से मैं ये सुनी थी कि भाई फुकरे का तीसरा पार्ट भी आने वाला है, मैं बड़ी एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि इस बार चूचा को कौन सी शक्ति दी गई है। क्योंकि आपको भी पता होगा, फुकरा जो है वो बेस्ड ही है चूचे की शक्तियों पर। पहले पार्ट में हमने देखा कि चूचे के पास अजीबोगरीब सपने देखने की शक्ति रहती है। अब वो अपने अजीबोगरीब सपने की वजह से पूरे के पूरे फुकरे बॉयज को अजीबोगरीब परेशानियों में ढकेल देते हैं भाई, जिसके बाद अब पूरी गैंग जो रहती है खुद को बचाने और चूचे को बचाने की वजह से वो पूरा फिल्म इसी पर बेस्ड रहता है। वही अगर दूसरे पार्ट की हम बात कर ले तो चूचा के पास डेजा चू करके एक शक्ति होती है, लेकिन तीसरे पार्ट में इस बार कुछ नया ही किया गया है, कुछ अनोखा किया गया है, एक नया ट्विस्ट आया है। जी हाँ, इस बार चूचे के पास सपने देखने की शक्ति नहीं है, बल्कि इस बार उसके पास एक अनोखा शक्ति है, वो है पेशाब की शक्ति। जी हाँ, इस बार चूचा का जो पेशाब है वो बारूद का काम करेगा, वो आग लगाने का काम करेगा, जो कि सारे के सारे फुकरे गैंग जो कि बॉयज हैं वो इस आग को बुझाने का काम करेंगे और इसी पर पूरा कॉमेडी सीक्वल बेस्ड है।